एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, और ये कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं है। एंड ये इस प्रोडक्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन भी होगा, बिकॉज इससे पहले मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है। बात कर रही हूँ फ्रॉम नायका लग स्टोर, यू कैन सी। ये तो मुझे अभी ही, मतलब 2 घंटे हो गए हैं मेरे पास इस पार्सल को आए हुए। सो 2 घंटे पहले मेरे पास ये पार्सल आया, और आई थॉट चलो जल्दी से वीडियो बनाते हैं, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। हाई एंड ब्रांड का प्रोडक्ट है, एंड बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे। सो आई थॉट चलो ट्राई करते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो लेट्स सी कि ये कैसा, जितना ये एक्सपेंसिव है तो अगर ये काम करता है या नहीं करता है। सो मैं बात कर रही हूँ स्मैशबॉक्स के विटामिन ग्लो फेस प्राइमर के बारे में, विद स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश विटामिन ग्लो प्राइमर विद विटामिन बी सी एंड ई। यू कैन सी, ऐसी कुछ इसके आउटर पैकेजिंग है। और जब भी आप किसी बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो, या हाई एंड ब्रांड से, लग्जरी ब्रांड से, तो आपको ऐसे नायका का ब्लैक बॉक्स मिलता है, विच इज़ नायका लक्स स्टोर लग्जरी। जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है ये स्मैश बॉक्स से किया है, जिसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, यू कैन सी हियर। एंड जो इसकी MRP है, दैट इज़ 3050 रुपीज़। एक भी रुपया आपको कम नहीं मिलेगा इसके ऊपर, कोई डिस्काउंट नहीं आता है। एंड बात करें इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ के बारे में, तो 2 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। सो एंड दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट, यू कैन सी हियर। तो ऐसी एक पंप बॉटल में आपको मिल जाता है। बेसिकली ये एक प्राइमर है, और स्मैशबॉक्स की प्राइमर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा वाले जो मैं बोलूँगी ना, फेमस है हाई एंड ब्रांड के ये प्राइमर हैं। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको ऊपर ऐसा एक कैप मिल जाता है, इफ़ यू कैन सी हियर। तो ऐसी आपको एक पंप पैकेजिंग मिल जाती है, ऑरेंज सी बॉटल है, और ये कांच की आपको बॉटल मिल जाती है। ऐसा एक छोटू सा इसके ऊपर कैप लगा होता है। एंड चलिए इस प्रोडक्ट को मैं ट्राई करके देखने वाली हूँ। आप इसको बेयर स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एज अ मॉइस्चराइजर, और अपने मेकअप से पहले एज अ प्राइमर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लेम करते हैं कि ये आपको हाइड्रेटेड हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसे हैं और कौन सी स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। वैसे मैंने जो सुना है इसके रिव्यूज़ जो मैंने चेक किए थे, कि ज़्यादा ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा सूटेबल है। पहले मैं यहाँ पे इसके ओके जो फर्स्ट टाइम ट्राई करने में ऐसा ही होता है। आ जाओ इसका पंप काम कर रहा है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी अमाउंट ली है मैंने, इतनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ली है। ये जेल बेस है, यू कैन सी जेल कंसिस्टेंसी में है। हल्का सा इसमें ऑरेंज टिंटी सा शेड है। एंड इसको मैं पहले अप्लाई करूँगी अपने नोज़ एरिया के पास। आई थिंक आज मैं ज़्यादा ही दूर बैठी हूँ, आई एम लिटिल क्लोज़र। सो बेसिकली हम प्राइमर तो अप्लाई करते हैं अपनी टी जोन के ऊपर, तो इसको मैं पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके देखने वाली हूँ। हेल्दी हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन किसको अच्छी नहीं लगती है। Oh my God, it's so hydrating, and you can see the glow. So it gives you a dewy finish, you can see. And I can feel that even textured on my skin, because just like a primer, because it's a primer, hence it's a primer. So this is not a, I think it's not a pore filling primer. It's like a hydrated and glowing skin वाला primer जो आपको बहुत ही ज़्यादा even तो करता है skin को, because I can literally feel that.
बिकॉज आई कैन फील दैट स्मूदनेस ऑन माई स्किन, लाइक यू कैन सी, एंड यू कैन सी द ड्यूइनेस, ग्लोई हेल्दी लुकिंग स्किन आपको डेफिनेटली मिलती है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके आफ्टर यूज़ के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है, बट दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन एज यू कैन सी. आई थिंक इट्स लुकिंग सो गुड एंड सो रिफ्रेशिंग बिकॉज आई डोंट हैव सच पोर्स, लाइक बिग ओपन पोर्स तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो पा रहा है. अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स की प्रॉब्लम है टी जोन एरिया के पास, तो आपको एक पोर फिलिंग प्राइमर चाहिए होगा, जिसको सिलिकन बेस्ड जो प्राइमर्स होते हैं. बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जेल लाइक है, तो आपको एज सच थिकनेस वाली प्राइमर भी फील नहीं आएगी. अगर आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो सिलिकन बेस्ड प्राइमर से, तो आपको इवन टेक्स्चर तो डेफिनेटली मिलने वाला है. और मैं इसको सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट ओनली बिफोर माई मेकअप, आई एम gonna use this on my daily basis. You can see, oh my god, it's so hydrating, you can see. And I think jo company claim karti hai healthy and glowing skin, yes, healthy glow, so that I can see. But this is my first time, I don't say ki ye bahut zyada kaise kaam karta hai, wo main aapko update kar dungi. Baki फर्स्ट इम्प्रेशन इज सो गुड, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसकी फ्रेग्रेंस जो पहले थी हल्की सी ऑरेंजी सी, विटामिन सी जिसमें होता है, तो एक होती है ना सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट वो एकदम से अब नहीं आ रही है मेरे को, तो लिटरली कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है. एंड आई कैन फील दैट फेदर टच, लाइक इट्स सो स्मूद, यू कैन सी. एंड डेफिनेटली आपका जो फाउंडेशन होगा वो ईजिली ब्लेंड हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर. And so let's wait for 1 to 2 minutes, ताकि अच्छे से देखते हैं कि स्किन में अब्जॉर्ब होने के बाद ये कैसा टच देता है, या स्टिकीनेस फील होती है या नहीं होती है. सो यू कैन सी अभी भी जो ग्लो है वो मेंटेन है मेरी स्किन के ऊपर, एंड आई कैन फील दैट स्मूद टेक्सचर ऑन माई स्किन. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ प्राइमर लाइक फिनिश एंड मॉइस्चराइज योर स्किन लाइक अ गुड मॉइस्चराइजर. और इसमें विटामिन सी है बेसिकली, इट हैज़ विटामिन बी सी एंड ई, तो तीनों ही जो विटामिन हैं सी हैं, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है नेचुरली. अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने मार्क्स हैं, स्पॉट्स वगैरह है, तो उसके ऊपर काम करता है. ई आपको मॉइस्चराइजेशन देता है. बी सी एंड ई का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी स्किन के लिए हेल्दी ग्लो तो लेके आता ही है, एंड स्किन को टेक्सचर को भी इवन करता है. सो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो है विद दिस प्रोडक्ट स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश विटामिन ग्लो जो प्राइमर, सो इसके साथ मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो. बाकी आपके सामने ऑनेस्टली जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज अभी मेरी स्किन के ऊपर कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मैंने अपने फेस को वॉश किया एंड उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ इसको अप्लाई करके दिखाया आप लोगों को. 1 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको मिल जाती है. एंड इस प्रोडक्ट को मैंने इसलिए भी परचेज़ किया बिकॉज स्मैशबॉक्स के ऊपर, नायका के ऊपर स्मैशबॉक्स पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी एंड सेल काइंड ऑफ ऑफर मिल रही थी. दैट इज़ कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स भी मिले काफ़ी ज़्यादा. सो आई गॉट 4 प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री. सो मुझे मिला है स्मैशबॉक्स का फोटो फिनिश ऑयल एंड शाइन कंट्रोल प्राइमर. एज यू कैन सी दिस इज़ अगेन वेरी फेमस प्राइमर फ्रॉम स्मैशबॉक्स एंड 7 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी है. छोटू सा ट्रेवल फ्रेंडली जो है वो मुझे फ्री मिला है. ये मेड इन कैनेडा प्रोडक्ट है. जो कॉम्प्लीमेंट्री मिला है ये स्मैशबॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमाइजर प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर. यू कैन सी ये टाइनी सी बॉटल मिली है मेरे को, छोटू सी क्यूटी पाइप फोटो फिनिश प्राइमाइजर विच इज़ प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर, जो कि ये काम करता है स्मैशबॉक्स का विटामिन ग्लो. आई थिंक इसी रेंज का ये वाला भी है स्मैशबॉक्स का फोटो फिनिश. दिस इज़ ऑल्सो फोटो फिनिश प्राइमाइजर, दिस इज़ विटामिन ग्लो प्राइमर. ये भी मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है एंड ग्लो भी प्रोवाइड करता है, प्राइमर का भी काम करता है. सो इसको तो मैंने ट्राई नहीं किया है अभी. एंड उसके बाद मुझे ये प्राइमर वाटर मिला है सेट रिफ्रेश एंड स्प्रे. यू कैन सी बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ सेटिंग स्प्रे, तो यू कैन सी ऐसे एक पंप है इसमें, स्प्रे बॉटल में मिला है, सॉरी पंप में नहीं, दिस इज स्प्रे. एंड ट्रिक मिली है फ्रॉम स्मैशबॉक्स ऑलवेज ऑन लिक्विड लिपस्टिक. यू कैन सी
स्टेपिंग आउट कुछ ऐसा ही इसका शेड है और काफ़ी अच्छा न्यूड शेड है ये. मुझे मिनी लिपस्टिक मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट. आई गॉट दीज फोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मैशबॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑन परचेज. स्मैशबॉक्स विटामिन ग्लो फोटो फिनिश प्राइमर. सो दैट्स इट. आई होप आप लोगों के लिए ये इस हाई एंड ब्रांड का, इस एक्सपेंसिव ब्रांड का ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा. बिकॉज जो मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन में फील किया कि मेरी स्किन को ग्लो मिला, मेरी स्किन हाइड्रेटेड फील कर रही है, मॉइस्चराइज तो हुई हुई है और उसी के साथ यू कैन सी ग्लो अभी भी है मेरी स्किन के ऊपर. और मुझे एक, मैं बहुत ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग इफेक्ट मिला बिकॉज ये ग्लो भी प्रोवाइड करता है. अगर बिल्कुल मैटिफाइंग हो जाएगा तो ग्लो नहीं रहता उसके ऊपर. सो आई थिंक ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल रहेगा बिकॉज इट ऑल्सो मॉइस्चराइज्ड योर स्किन एंड प्राइमर वाला फील बहुत ज़्यादा एज सच नहीं है. लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा सिलिकन बेस्ड प्राइमर्स यूज टू हूँ, तो सिलिकन बेस्ड प्राइमर अगर आप यूज़ करते हो तो ऐसा फिनिश नहीं है इसका, ऐसा टेक्सचर नहीं है बिकॉज जेल लाइक है. तो मॉइस्चराइज करता है, ग्लो देता है बेसिकली आपकी स्किन को. दैट्स इट. आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, कॉमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना बिकॉज उससे मेरे को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं एंड आई फील सो गुड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड